बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना सैयद राहिल शवारसी हस्बे वादा किताब कलीदे मार्फत। कल हमने उस किताब का हिस्सा जमीयतुल आशिकीन शुरू किया था। चंद फकरा के हालात ज़िंदगी आपके खिदमत अक़दस में पेश किए थे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हाजी मियाँ अब्बुल हसन शाह वारसी साहब, आपका वतन अटावा था। अव्वाइल उम्र ही में यानी 16-17 साल की बरस में आपने तरके दुनिया करके सरकार आलम पन्हा की मोहब्बत में एहराम पोशी अख्तियार की। 12 साल तक मतवातर बाहुकम सरकार आलम पन्हा दाइमुल सोम और कायमुल अलील रहे। आपका सिलसिला रुश्तो हदायत वसी पैमाना पर जारी था। आपकी सोहबत से बहुत से तालबीन हक फैसयाब हुए और फकराए वारसी में आप इम्तियाजी दर्जा रखते थे। मोरखा 21 जमादिल अव्वल 1325 बामुताबिक 1938 को आपने विसाल फरमाया। मजार शरीफ आपका दरगाह वारसी अटावा में फ्यूज़ो बरकात का मुरज्जा एक ख़ास आम है। मियाँ पंडित दीनदार शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह, आपका वतन इंदिवर, आप ब्राह्मण थे मगर परतुए जमाल वारिस ने अपना पुरस्तार बना लिया और आपसे बेशुमार मखलूक को हदायत हुई। कुछ अरसा तक आपका क़याम देवा शरीफ में रहा और फिर अपने वतन वापस चले गए और वहीं आपका विसाल हुआ। हाजी मियाँ मोहब्बत शाह वारसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका वतन रावलपिंडी पंजाब, सरकारे आलम पन्हा आज़म अल्लाह ज़िक्रा के फिदाई थे। मुख्तसर ये कि मुजस्मा मोहब्बत में मज़ारात औलिया कराम पर अक्सर ज़ायरीन की तवाज़ो का एहतमाम बड़े पैमाने पर फरमाते थे। आप साहिब सिलसिला थे और आपसे बेशुमार तालबान हक मुस्तफीज हुए। आपका मजार शरीफ ज़िला बिजनौर में वाक़ है। हाजी मियाँ ज़हूर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह, आपका वतन गाज़ीपुर था। आप साहिब सिलसिला बुज़ुर्ग थे। आपका मजार शरीफ भी गाज़ीपुर में है। मियाँ नादर शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह, बाद एहराम पोशी आपको सयाही का हुक्म हुआ और बहालत सयाही किसी मुकाम पर आप वासिले बहक हुए। मौजूद ख़वातीन हज़रात, चंद शाही फकरा के हालात किताब कलीदे मार्फत जो मेहताब शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किए आपकी खिदमत अक़दस में हमने पेश किए। और आज हम चंद मुरक्काजात भी आपकी खिदमत अक़दस में पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कवी है
कि आप उन मुरक्कजात को भी पसंद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जहाँ से हमने आज गुफ्तगू को आपकी खिदमत अक्दस में पेश करने के बाद मन कता किया है, कल इसी जगह से आगाज़ करेंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग, मेरे मोहतरम भाई बहन, मेरे सरकार आलम पनाह के चाहने वाले, एक बार फिर सबकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ करता चलूं कि बंदा नाचीज़ तलफ़ पर ध्यान कम और दिल की चाहतों में ज़्यादा तवज्जो देता है। अगर कहीं ज़बान अटक जाए और तलफ़ की ऊँच नीच हो जाए तो हर बार मैं यही कहता हूँ आपकी खिदमत अक़दस में कि उसे दरगुज़र फरमाइएगा। फिर भी इसके बावजूद ना जाने क्यों चंद मेहरबान मुझे आलिम समझ बैठे हैं, मुफ्ती समझ बैठे हैं, जो तकरीर पर कम तलफ़ुज़ात पर और जज्बात पर ज़्यादा गौर करते हैं जिससे वो आपको मुतासिर कर सकें। मेरे मोहतरम, ना तो मैं ज़ाकिर हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं आलिम हूँ। मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपकी खिदमत अक़दस में, एक बार फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं तो लिखा हुआ जो कलीद मार्फत किताब में है वो आपकी खिदमत अक़दस में पेश कर रहा हूँ। और मेरा मकसद सरकार आलम पनाह के फ़ुकरा का ज़िक्र और उनके मुख्तसर हालात आपकी खिदमत अक़दस में दिल की गहराइयों से पेश करने का है, इसमें ताकि हम लोगों को मालूम हो सके कि हम जिस सिलसिले से वाबस्ता हैं उसमें कौन कौन से कामिल फ़ुकरा गुज़र चुके हैं। अगर मेरे भाइयों को या बहनों को या बुज़ुर्गों को जिसकी तबीयत पर ये मेरी गुफ्तगू गिरा गुज़रती है तलफ़ुज़ात की वजह से, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस गुफ्तगू को ना सुनिएगा, सरकार के दीवाने जो हैं उन्हें सुनने दीजिएगा। और जो एडमिन हमारे साथ हैं, आजिश साहब मेरे साथ जो एडमिन हैं, हमारा ये फ़ैसला इसलिए है कि मैं सिर्फ वॉइस मैसेज करता हूँ, इसलिए ये इनफरादियत रहे ताकि तमाम लोग हमारी गुफ्तगू को सरकार आलम पनाह के फ़ुकरा के बारे में या सरकार आलम पनाह के सवान हयात के बारे में बग़ौर सुन सके। ये हमारा फ़ैसला इसलिए है, इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को आपसे अलहदा समझते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है तो मैं उनकी खिदमत अक़दस में ये अर्ज़ करता चलूँ, हमारा काम, हमारी सोच मोहब्बतों की सोच है और सिर्फ सिलसिले की फ़रोग़ के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमें इसमें मासवाए सरकार आलम पनाह के फिज़ान नज़र के लालच के सिवा और किसी किस्म का कोई लालच ना हमारे जहन में है, ना होगा, न था। इसके बावजूद
अगर किसी भाई की तबीयत पर गिरा गुज़रता है तो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाल की खाल निकालने का आदि नहीं हूँ, मैं बहस करने का आदि नहीं हूँ, मैं मोहब्बतें बांटने का आदि हूँ, सच बोलने का आदि हूँ और दिल की गहराइयों से सरकारे आलम पनाह का पैगाम कोशिश है कि घर घर पहुंच जाए, तो शायद हम लोग भी सरकारे आलम पनाह का वो कॉल कि जिसे हम अपना करते हैं उसे अपने जैसा कर लेते हैं, तो शायद हमारी ज़िंदगी में वो दिन आ जाए कि हम भी सरकार के एक ही कॉल पर अपने आप को रंग लें। मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सब एक ही हस्ती के लिए जीते हैं, एक ही हस्ती पर मरते हैं, तो दिल से कदूरतें निकाल दीजिए, मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें कीजिए और आज चलते चलते एक सरकारे आलम पनाह के फ़कीर का किस्सा, शाही फ़कीर का किस्सा आपकी खिदमत अक़दस में पेश करता हूँ। उम्मीद है आप मुस्तफ़ीज़ होंगे मोहब्बतों से। नाम भी मोहब्बत शाह है, मोहब्बत शाह पंजाबी। मैंने बुज़ुर्गों से सुना, मैंने बचपन से लेकर आज तलक एक ही बात बुज़ुर्गों से सुनी कि मोहब्बत करो और सच बोलो। तो आज हम किस्सा बताते हैं मोहब्बत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का, कि आपका नाम मोहब्बत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह क्यों हुआ। आप कभी भी सुना है बुज़ुर्गों से, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, अपने जद से सुना है, अपने रहबर से सुना है और तमाम काफ़ी लोगों से सुना है जो बड़े बड़े फ़कीर गुजरे हैं, जिनसे मेरी मुलाकातें रही हैं, कि मोहब्बत शाह, और वो खिलाफ तवक्का ऐसी बात भी है कि वो हमारे घर के करीब एक जगह है पैसा अखबार, छोटे छोटे से हम लोग होते थे तो जब से हम सुनते थे कि मोहब्बत शाह की बैठक एक है पैसा अखबार में, मोहब्बत शाह की बैठक एक है पैसा अखबार, बड़ा चर्चा था। ज़िंदगी में मुलाकात तो नहीं हुई और मगर किससे बड़े सुने मोहब्बत शाह के, कि मोहब्बत शाह ने मोहब्बत से ये बात की, ये हो गई, मोहब्बत शाह ने ये कर दिया, मोहब्बत शाह ने वो कर दिया। तो लोग हमें बताते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि मोहब्बत शाह नाम क्यों पड़ा। हुआ ऐसा कि सरकारे आलम पनाह के पास आपकी हाज़िरी हुई, जो बुज़ुर्ग हमें बताते हैं हाज़िरी हुई, तो आप का ये जुनून था कि औलिया अल्लाह की खिदमत में पेश पेश रहना। हुक्म हुआ कि सरकारे आलम पनाह के पास जाओ। अब मुझे मालूम नहीं कि हुक्म किसका हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ नहीं, मैंने सुना है कि हुक्म हुआ। आप आ गए सरकारे आलम पनाह के पास, वहाँ पर जो सरकार के खातमे ख़ास थे चंद, फैजू बाबा थे, रहीम बाबा थे, मियाँ उगर शाह वारसी साहब थे और बेदम शाह साहब थे और इस बंदे नाचीज़ के दादा हजूर भी थे,
मिलने के लिए तशरीफ लाए आप, मुलाकात हुई, बैत की ख्वाहिश जाहिर की। सरकार मुस्कुराए और जो सात सरकार उगालदान रखते थे, जो आपने अक्सर वो अभी तस्वीर भी एक सरकार आलम बना के उगालदान पास रखा होगा, आपने उसमें अपना लुआब दहन आप फेंकते थे उसमें बैठे हुए थे सब। तो कुछ देर के बाद आपने कहा, फैजू, बस ऐसा कहा तो आप समझ गए फैजू बाबा, और उगाल दान धोने के लिए बाहर चले गए। तो पीछे पीछे मोहब्बत शाह सब भी चले गए। फैजू बाबा ने पानी उगाल दान में धोने के लिए डाला, आपने उगाल दान लिया और वो पानी सारा पी लिया, इसी तरह तमाम पानी डाला, पी लिया पी लिया पी लिया, उगाल दान को धोकर ले आए, लाकर रखा। आप सरकारी आलम पना ने देखा और मुस्कुराए और क्या इरशाद फरमाया, इसे कहते हैं मोहब्बत। क्यों भाई मोहब्बत शाह, क्यों भाई मोहब्बत शाह, सुनो सुनो, ये मोहब्बत शाह हैं हमारे। आप दाखले सिलसिला भी हो गए, आपको एहराम भी अता हो गया और मोहब्बत शाह भी हो गए। ये होती है मोहब्बत, ये होता है जुनून। और फिर सुना है मैंने कि मोहब्बत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह सियाहत के बड़े शौकीन थे और सरकारे आलम पनाह से वाबस्ता होने के बाद भी आपने बहुत सियाहत की और लाहौर तशरीफ लाए, अपने गुजरात में गए, पिंडी में गए, जाहिर है कहीं कहीं और गए, लाहौर में भी डेरे रखे, मगर लाउबालीपन था एक के आज इधर है कल मालूम ही नहीं किधर चले गए। तो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि मोहब्बत इतनी थी कि जिस बैठक पर या जिस जगह पर आप रिहाइश एक बार रख लेते थे, उसमें आने जाने वाले लोग आप वहाँ पर हों या ना हों, एक दूसरे से मोहब्बत ही करने लग जाते थे। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकारे आलम पनाह का एक फ़कीर जिसका नाम मोहब्बत शाह रख दिया गया, उसमें ये खासियत आ गई तो मेरे सरकार में क्या क्या खासियतें होंगी। मैं जवानी की तस्वीर मोहब्बत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह की, मियां ओगर शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह की, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह की और अबुल हसन शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक्दस की तस्वीर आज पोस्ट कर रहा हूँ। अबुल हसन शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर और मज़ार अक़दस की तस्वीर इंशाअल्लाह ताला कल आपके ख़िदमत अक़दस में पोस्ट करूँगा। आज ये तीन तस्वीर आपके ख़िदमत अक़दस में पेश कर रहा हूँ ताकि आप ज़ियारत कर सकें। कल मुलाकात होगी, फिर एक बार सब लोगों से मोहब्बतें कीजिए, मोहब्बतें बांटिए। मैं आपका अपना हूँ, अगर मुझसे कोई गिला शिकवा है तो इनबॉक्स में मुझसे कीजिए। ये मेरा नहीं आपका ग्रुप है, ये मेरा नहीं सरकारे आलम पनाह के नाम से ग्रुप है, ये मोहब्बतों का ग्रुप है, इसमें मोहब्बतें ही रहने दीजिए। अल्लावारिस अल्लावारिस अल्लावारिस।